क्या हमारे ऋषि जो थे वही वैज्ञानिक थे? आम भाषा में पहली बार कोई ऋषि को सुनना और समझना चाहेगा तो हम कह सकते हैं कि साइंटिस्ट है, बट दे आर साइंटिस्ट प्लस समथिंग एल्स। हमारे यहाँ के लोग हैं, कोई आविष्कार हुआ बोलते हैं ये तो हमारे यहाँ पहले से ही ऋषि मुनियों ने कर रखा था। जो ज्ञान मार्ग भारत का ब्रह्म को जान सकता है, ईश्वर को जानने की यात्रा कर सकता है, तो भौतिक को कैसे नहीं जान सकता है? क्या ये पॉसिबल है अभी के लोगों के लिए भी कि वो आत्मा तक की यात्रा कर पाए जैसे ऋषि मुनि तो कर लेते थे? साधना मतलब होता है निरंतरता। अब उसमें 10 साल लगे, 20 साल लगे, तो क्या आप में पेशेंस है 20 साल वो करने की? नहीं है। आज के टाइम पे क्या होता है कि हर किताब की बहुत सारी कॉपीज होती है। नालंदा जल गया, ठीक है, तो क्या वहाँ पे कोई कॉपी नहीं थी? पहले तो मैं बता दूँ, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के पास 1 करोड़ ग्रंथ हैं ऑलरेडी, जिसमें से 10 लाख का इन्होंने डिजिटाइजेशन किया है, 90 लाख में क्या है पता भी नहीं है। तो ये डिफरेंस क्या है कि संस्कृत के स्कॉलर हैं बट वो विज्ञान के स्कॉलर नहीं है, और जो विज्ञान के स्कॉलर हैं वो संस्कृत के स्कॉलर नहीं है। हमें ब्रिज चाहिए जो उस भाषा को डिकोड करे लेकिन सोचने का तरीका वैज्ञानिक हो, और जो वैज्ञानिक हैं वो सम्मान करे कि संस्कृत में भी कुछ मिलेगा। ये जब दो लोग साथ में आएंगे तो आई थिंक जो है आपको रिजल्ट दिखेगा। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूं। धर्म संवाद का ये एपिसोड आज फिर से बहुत ही खास होने वाला है। हर बार ही खास करते हैं, कुछ नई जानकारियां देते हैं, और आप सभी को हमारा ये शो धर्म संवाद बहुत पसंद आता है। अभी आजकल ना एक नया ट्रेंड चला हुआ है, लोगों को बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे आप देखते होंगे जिसमें ऋषि मुनियों की बात होती है, हमारे एंशंट साइंस के बारे में बात होती है, हमारे पीछे जो किताबें थी नालंदा के बारे में बहुत सारी जानकारियां आजकल लोग दे रहे हैं। कुछ टूटी फूटी होती हैं, कुछ हल्की फुल्की रिसर्च के साथ होती हैं, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी जानकारी आपको दें एक एक्सपर्ट हो हमारे साथ जो आपको अपनी बातें बताए, यानी हम कहीं से हवा में उड़ती हुई बातें करना पसंद नहीं करते। तो आज धर्म संवाद का एपिसोड बहुत ही खास होगा क्योंकि ऋषि मुनियों के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आज जानने को मिलेंगी, जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं वो अभी तक आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, तो आपको पहली बार धर्म संवाद पे ये चीज़ें सुनने को मिलेंगी। और उसके लिए जो हमारे गेस्ट हैं, सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं, रवि सिंह चौधरी जी का। सबसे पहले रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार धर्मा लाइव पर आए हैं, और जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में आपके कहा कि हम बहुत सारी खास बातें करने वाले हैं, एक शब्द जो मैं बार बार कह रही हूँ ऋषि के बारे में, आपने एक किताब लिखी है ऋषि इंटेलिजेंस, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी इस किताब के बारे में आप थोड़ा बताइए। जी, इस किताब को लिखने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आया, AI की बहुत बात हो रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं देख रहा था कि एट द एंड मशीन को ये सिखाया जा रहा है कि ह्यूमन को इमिटेट करना है, मतलब जो नेचुरल इंटेलिजेंस हमारी होती है, बुद्धि हमारी होती है, मशीन को अब बोला जा रहा है कि इंसान की तरह सोचो, ब्रेन में जैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि एक जो सामान्य व्यक्ति है या जो ह्यूमन है उसका जो नेचुरल इंटेलिजेंस है वो कहाँ तक जा सकता है, तो जो अपर लिमिट है वो हम कह सकते हैं वो ऋषि इंटेलिजेंस हो गए। तो मतलब सशरीर एक ह्यूमन बॉडी में सबसे हाईएस्ट इंटेलेक्ट हमारे ऋषियों का था, तो इससे वहाँ से ये शब्द आया ऋषि इंटेलिजेंस। और फिर ये पुस्तक इसलिए भी लिखी क्योंकि मेथडोलॉजी मुझे बतानी थी, मतलब हमने बहुत बात की कि हमारे वेदों में ये है, हमारे प्राचीन शास्त्र ऐसे, लेकिन कैसे किया, लैब नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो किया कैसे? अगर मेथड हम बता सकते हैं तो शायद लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे, रेदर देन कि सिर्फ हम बताएं कि हमने ये किया हमने ये किया, क्योंकि कैसे किया बताने से दोबारा भी हम कर सकते हैं, ये भी संभावना है। तो यानी कि किताब का नाम भी ऐसे ही आपने सोच के रखा। जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में भी आप ज़रूर बताइए, अपने हमारे गेस्ट जो हैं वो इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए हमारे दर्शकों को, तो आप अपने बारे में भी थोड़ी जानकारी। जी, मेरी पढ़ाई बीटेक मैकेनिकल मैंने पढ़ाई की, 2015 में मैं बीटेक पास आउट हुआ, फिर एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में मैं चला गया, मतलब उद्यमिता, स्टार्टअप इंडिया जो मूवमेंट हो रहा था उसमें मैंने रूरल इंडिया को सेलेक्ट किया कि एग्रीकल्चर पर मुझे काम करनी है। ठीक है, अब 1.5 साल 2 साल बीतने के बाद ये हमेशा ये एक कौतूहल रहता था कि भारत को कह रहे हैं कृषि प्रधान देश है और कृषि में ही पिछड़े हो गए। ठीक है, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने मिस कर दिया, तो इंडस्ट्री में हम पीछे हो सकते हैं, कृषि में कैसे पीछे हो सकते हैं, और अगर पुरानी है कृषि हमारी तो मेथड्स ज़रूर होगी। तो कृषि की समस्याओं को उसका समाधान ढूंढने की प्रक्रिया में मैं शास्त्रों तक आ गया, जिसमें कृषि का प्रयोग, आयुर्वेद का प्रयोग कृषि के लिए भी हुआ, ऐसे शास्त्र मिले। ठीक है, और बात सही है कि पंच महाभूत से सिर्फ व्यक्ति नहीं बने हैं, ह्यूमन नहीं बने हैं,
उसे तो पौधे भी बने हैं, पशु भी बने हैं, तो आयुर्वेद तो वहाँ भी काम करना चाहिए, क्योंकि अगर पंचमहाभूत आधारित है आयुर्वेद तो। और इससे ये भी प्रूफ होगा कि वो स्यूडो साइंस नहीं है, वो साइंटिफिक है, क्योंकि बाकी जगह भी वो काम कर रहा है। तो कृषि के समस्याओं के समाधान की खोजने की यात्रा में मैं शास्त्रों में आया, फिर IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो भी विधा है उसके रिसर्च में मैं चला गया, और वहाँ पर मुझे फिर शास्त्र के बाद शास्त्र मिलते गए, और मुझे लगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की थोड़ी आवश्यकता है। अहम भाव से सिर्फ उसकी महिमा मंडन करने से नहीं होगा, उस पर थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो IKS रिसर्चर मैं बन गया उसके बाद, और पुस्तकें फिर पब्लिश मैं करने लगा। तो कृषि मेरा क्षेत्र हुआ। पहले 7 साल मैं कॉरपोरेट में रहा, और अभी कॉरपोरेट के लिए मैं मॉड्यूल्स भी बनाता हूँ, जैसे कि तर्कशास्त्र है, तो उसको कंपनी में कैसे उसको हम डिबेट में डिस्कोर्सेस में हम जो भारतीय परंपरा है कम्युनिकेशन स्किल एंड ऑल उसको वापस से जीवित करने की प्रक्रिया में मतलब मेरा योगदान भी है जी। बहुत सारा योगदान आप दे रहे हैं सोसाइटी को, और मुझे लगता है आपका ये इंट्रोडक्शन सुनकर लोगों को इसमें इंटरेस्ट इसलिए होगा क्योंकि मैंने कहा ना बहुत सारे लोग हवा में बातें कर रहे हैं आजकल, हर कोई ये टॉपिक बहुत ही डिस्कस करता है, तो बहुत सारी जगह पे मैं देखती हूँ कि बिना रिसर्च के लोग आ जाते हैं 4 किताब पढ़ के, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन इसलिए भी जरूरी था, लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं उन्होंने कितना रिसर्च किया। तो आपकी किताब से शुरू करते हैं, जो आपने लिखा है कि ऋषि इंटेलिजेंस, ऋषि मुनियों के बारे में बताइए, क्या जो हमारे ऋषि मुनि थे, लोग कहते हैं वो साइंटिस्ट थे, एक टर्म यूज करते हैं कि साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, तो क्या हमारे ऋषि जो थे वही वैज्ञानिक थे? इसके लिए सबसे पहले साइंस समझना होगा, ये शब्द साइंस, साइंस काम कैसे करता है, ठीक है। साइंस क्या करता है, पहले डेटा रिकॉर्ड करता है, और उसके पहले एक्सपेरिमेंट करता है, एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट का आधार एक हाइपोथेसिस हुई, डेटा रिकॉर्ड हुआ, डेटा रिकॉर्ड करने के बाद एक कॉन्क्लूजन वो ड्रॉ करते हैं, चाहे वो ग्राफ बनाए, चाहे कोई लॉ का वो निर्माण करे, तो वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेटा रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उसमें लॉजिक लगाते हैं और मैथमेटिक्स की सहारा लेकर के फाइनली कॉन्क्लूड करते हैं, ठीक है। तो साइंस की भाषा में मैथमेटिक्स आएगी, साइंस की भाषा में लॉजिक आएगा, साइंस की भाषा में एक्सपेरिमेंट आएगा, ठीक है। तो ऋषि एक्सपेरिमेंट जैसा कर नहीं रहे हैं, लेकिन कॉन्क्लूजन डिराइव कर रहे हैं, आयुर्वेद उन्होंने लिखा है, चरक संहिता है हमारे पास, और क्योंकि वो काम करता है तो हम उस पर विश्वास करते हैं, योग और आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं, क्योंकि शरीर पर ये काम कर रहा है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करते हुए हमें प्रतीत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कहाँ लैब्स है वो बताओ, ऐसी जब बातें आती है, तो ऋषियों को सीधे सीधे साइंटिस्ट कहना दोनों कम्युनिटी के लिए सही नहीं है, ऋषियों के लिए भी सही नहीं है और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी सही नहीं है। होता क्या है, एक मेरा रिसर्च पेपर भी है, कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड और डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड, हमारा माइंड मतलब गुलामी में ऐसा रहा कि अब हमें साइंस सबसे ऊपर लगता है, तो हमें लगता है कि अपनी बात अगर रखनी है तो साइंस से जोड़ दो, ठीक है। ये अलग विधा है, इस बात को समझनी बहुत आवश्यक है कि ये अलग विधा है, साइंस को वैलिडेट किया जा सकता है, थर्ड पर्सन वेरीफाई करता है, ठीक है। अब योग मैं किसी व्यक्ति को सिखाऊं या करवाऊं तो 10 व्यक्ति को 10 मेथड मैंने दिया, लेकिन 10ों के रिजल्ट अलग आएंगे, ये साइंस के बाहर की बात हो गई कि ये एग्जैक्ट स्टेप हमने फॉलो किया, एग्जैक्ट मेथडोलॉजी दी, रिजल्ट अलग आ जा रहे हैं, तो इसमें लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा, मतलब वो लॉजिक ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऋषि जो है हमारे, वो प्रकृति के नियम को बता रहे हैं हमें, और फिजिक्स भी बताता है प्रकृति के नियम को, बताने का तरीका अलग है। तो आम भाषा में पहली बार कोई ऋषि को सुनना और समझना चाहेगा तो हम कह सकते हैं कि साइंटिस्ट है, बट दे आर साइंटिस्ट प्लस समथिंग एल्स, कुछ और हैं साथ में, सिर्फ केवल साइंटिस्ट नहीं। यानी हम उन्हें, जैसे बहुत सारे लोग अभी हमारे पास और भी गेस्ट आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आजकल लोग बाहर से एक टर्म आ गया साइंटिस्ट, तो हमारे साइंटिस्ट तो पहले से ही, तो आपके हिसाब से हम ऋषि मुनियों को प्रॉपर एकदम ऐसा नहीं कह सकते कि वैज्ञानिक? टेक्निकली मैंने आपको बता दिया साइंस काम कैसे करता है, तो उनके काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो अलग बात है कि वो गलत बातें नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है, तो उसको हम सीधे सीधे साइंटिफिक नहीं कह सकते। हम भी एक ऐसा ही शो बना रहे हैं हमारे चैनल पे, ऋषि वैज्ञानिक जो है हमारा एक थे ऋषि, ऐसा हमारा एक शो है जो बहुत ही जल्द सारे दर्शकों को देखने को भी मिलेगा, जिसमें आपकी भी ज़रूरत लगेगी। तो ये शो हम इसीलिए बना रहे हैं, जैसा आपने कहा कि जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो लोगों को समझने को मिले, सुनने को मिले। एक और चीज़ मैंने देखी है, अभी आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि पिछले कुछ समय से देखने को सोशल मीडिया पर मिलता है कि कुछ आविष्कार हो जाता है, या कोई हमारे जो हमारे यहाँ के लोग हैं
कोई आविष्कार हुआ, बोलते हैं ये तो हमारे यहाँ पहले से ही ऋषि मुनियों ने कर रखा था, और उसको दावा करते हैं कि देखो ये पहले से हो रखा था। ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले हम कोई दावा कर दें, हम कोई आविष्कार दिखा दें, उसके बाद हम बताएं कि देखो ये अब हुआ था, तो ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि साइंस बाद में जाके अप्लाइड साइंस बनता है, फिर इंजीनियरिंग बनती है, फिर वो टेक्नोलॉजी बनता है, देन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है वो कहेगा कि आप अपना गूगल क्यों नहीं बना लेते अगर आपके पास ऋषि मुनि थे तो गूगल साइंस नहीं है, गूगल एक प्रोडक्ट है जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के बाद आई है। ठीक है, हम जब भी वेद और कोई भी ग्रंथों की बात करेंगे तो विज्ञान के संदर्भ में बात करेंगे, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में नहीं बात करेंगे, वो दो अलग विषय है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हमारे ग्रंथों में अगर रही भी होगी तो बहुत सारी उपलब्ध नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब वेदों में पहले से है तो देखिए बीज रूप में मान सकता हूँ कि है, कई बातें हैं, और यही साइंस में बड़ी बात होती है कि किसी ने ऐसा सोच लिया, क्योंकि साइंस का बीज अगर नहीं होगा तो ना तो इंजीनियरिंग होगी ना तो टेक्नोलॉजी होगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि 2000 साल पहले किसी ने सेम वैज्ञानिक बात रखी है हमारे कोई ऋषि ने, लेकिन अलग बात है कि उसका इंजीनियरिंग, उसकी टेक्नोलॉजी हमें नहीं दिखने को मिल रही है। कई कई क्षेत्र में मिल रही है, जैसे मंदिर की टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग जो है तो वहाँ टेक्नोलॉजी है, आयरन पिलर है दिल्ली में वो टेक्नोलॉजी है। तो उससे ये भी हम ड्राइव कर सकते हैं कि अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो बिना साइंस के कोई बना नहीं सकता। तो अगर कोई कह दे कि भारत में विज्ञान नहीं था तो ये भी गलत हो गई बात, और कोई एक ये कह दे कि हमारे पास सब कुछ था ये भी गलत हो गई, मतलब हमारे वेदों में ही सब कुछ है। तो वेद टेक्नोलॉजी के लिए नहीं लिखा गया था ना, वेद का जो पर्पस है वो है कि ब्रह्म जिज्ञासा अगर हम कहें, अल्टीमेट ट्रूथ, मतलब कि ऐसा ज्ञान जिसके बाद कुछ जानने को ना बचे, इस पर्पस से वेद हमारे पास है कि उसके बाद और कुछ जानने को ना बचे। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि भौतिक विद्या और ये सब भी आपको सभी मिले, हाँ बीज रूप में मिल सकता है उसका जो एक होता है ना, पर वृक्ष नहीं मिलेगा उसका पूरा, वृक्ष के लिए अलग ग्रंथ होते हैं, और भारत में भी रहे हैं ग्रंथ, ऐसा नहीं कि नहीं रहे, लेकिन सारे उपलब्ध नहीं है हमारे पास अभी। जैसे एक वायरल चीज हुई है उस बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे, जैसे आजकल एक कहा जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले ही लिख दिया था कि देखो हनुमान चालीसा में कि सूर्य की दूरी कितनी है, तो ये बड़ा वायरल हुआ कि यहीं से ये बात मैंने आपसे पूछी कि पहले लिखा गया था और किसी ने प्रूव किया और अब हम उसको जैसे कहते हैं ना कमिट कर रहे कि देखो ये हमने किया हुआ है या हमने पहले किया हुआ है, तो यहीं से ये बात है। और ऐसे और भी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी निकल के आ रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गुरुकुल पद्धति अब वापस से शुरू हो रही है, क्योंकि पतंजलि गुरुकुल है, कांगड़ी गुरुकुल है, बहुत सारे गुरुकुल हैं जहां से बच्चे पढ़ रहे हैं और वेदों को पढ़ते हैं, तो वहां से शायद वो जानकारी बहुत सारी, जैसे चरक संहिता भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ के आ रहे हैं और अब वहां से उसको डिकोड कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ तो शायद मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये भी एक कारण है कि हम उससे अछूते रह गए, क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखी गई और हमारी वो भाषा अब हमसे थोड़ी दूर हो गई है, तो क्या एक ये भी कारण हो सकता है? अभी मैं वो मेथड का विषय मैं रखना चाहूँगा कि ऋषि ने किया कैसे, जितना भी किया वो किया कैसे, अगर वो हम जान पाए तो वो जो विश्वास का स्तर है वो भी बढ़े कि हाँ ये हुआ है हमारे यहाँ। तो साइंस जो है कैसे काम करता है, एक सब्जेक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब एक डाइकोटॉमी में काम करता है, ड्यूअलिटी में काम करता है, मतलब ऑब्जर्वर, अगर मैं साइंटिस्ट हूँ तो मैं अलग हूँ, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उससे मैं अलग हूँ। ठीक है, बहुत ऑब्वियस बात भी लग रही है कि ये तो दो अलग ही विषय होंगे। ठीक है, तो इसके बीच में संबंध स्थापित करता है इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, क्योंकि हम आँख से बहुत छोटा नहीं देख सकते, आँख से बहुत दूर नहीं देख सकते। ठीक है, और लॉजिक, हम कहते हैं कि लॉजिक व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर लगाता है, तो लॉजिक में फ्लॉ होता है, इसलिए मैथमेटिक्स का सहारा लेना चाहिए, मैथमेटिक्स में प्योर लॉजिक है। तो मैथमेटिक्स और इंस्ट्रूमेंट्स मशीन का यूज़ करके एक साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट को करता है और नॉलेज को प्राप्त करता है, ये नॉलेज को प्राप्त करने का एक तरीका है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ये किसने कहा कि मनुष्य ज़्यादा दूर नहीं देख सकता, मतलब जितना देख रहा है उससे ज़्यादा देख ही नहीं सकता, ये कब लिमिट हमने सेट किया? क्योंकि अगर एक और प्रश्न मैं रख दूं कि दुनिया में सारे मशीन्स को एक तरफ रखा जाए और एक तरफ ह्यूमन को रखा जाए, तो कॉम्प्लिकेटेड किसका सिस्टम है अगर हम बात करें तो? कोई भी मैकेनिस्टिक बॉडी, रोबोट्स, कुछ भी एआई, सब कुछ सामने हम रख दें, उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारा शरीर है। ठीक है, ये एक्सेप्ट करने में किसी को कोई मतलब कन्फ्यूज़न नहीं है कि हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि हमें अपना मैनुअल पता नहीं है, ड्राइविंग मैनुअल जो है कि शरीर को हम कैसे चलाएं। तो साइंस ये मानता है कि सेंसरी ऑर्गन
जो हमारे इंद्रिय हैं और इंस्ट्रूमेंट है, यही माध्यम है प्रकृति को जानने का। और हमारे पतंजलि, ऋषि पतंजलि कहते हैं, यही एरर का कारण है। मन को प्रयोग नहीं करना है अगर सत्य को जानना है तो। इसलिए उन्होंने कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा, क्योंकि मन और इंद्रिय एक चश्मा है और चश्मे से किसी को हम देख रहे हैं तो सीधे सीधे उस ज्ञान को हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, और अभी जो बात होती है पूरे विश्व में कॉन्शियसनेस स्टडी, चेतना और जड़, ठीक है। तो ऋषियों ने क्या किया, ये जो हम समाधि शब्द का प्रयोग करते हैं, मम्मी जो पहले होता था समाधि को क्या मम्मी कह सकते हैं, ये सवाल मेरा अगला आपसे था, क्योंकि मैं कहीं अभी हाल ही में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं, सॉरी मैं बीच में बात कट कर रही हूँ, अगला सवाल होने वाला था मेरा आपसे कि जो समाधि होती है तो समाधि में भी जीवित समाधि होती है, वैसे ही उनको मिट्टी के नीचे डाल दिया जाता है। तो एक देश है, मैं नाम भूल रही हूँ, मैं बहुत जल्दी आपको नीचे कमेंट करके बता दूंगी, वहाँ पे डेड बॉडी को कम से कम दो या तीन साल के लिए रखा जाता है, उस पे बहुत सारे जो है चीज़ें लगा के, और उसके बाद जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो उसके बाद उसको हम मिट्टी के अंदर डालते हैं। तो समाधि क्या, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि समाधि क्या सिर्फ हमारे देश में थी या बाहर भी चीजें थी, क्या उसको मम्मी को समाधि कह सकते हैं हम, जीवित समाधि? देखिए हिंदी में तो वो समाधि है हम समझ सकते हैं, लेकिन संस्कृत में जो समाधि है वो जो जहाँ पे मैं रुका, समाधि अष्टांग मार्ग का आखिरी है, मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आखिरी हो गया समाधि, ठीक है। तो जब ये लाइन आता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई वृक्ष के नीचे बैठ करके, अब ना वहां प्रोफेसर हैं, ना कोई ग्रंथ है, ना डिस्कशन है, और डीप डाउन आप जाएंगे तो कहा जाता है विचार शून्य होना होता है उस समय, विचार नहीं आने चाहिए मन में। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि मतलब ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया, कुछ कर ही नहीं रहे हैं अगर तो ज्ञान हुआ कैसे प्राप्त, ठीक है, कैसे प्राप्त हो गया, ये उसी समय प्रश्न करना चाहिए था जब हमें यह बात बताया गया था कि ज्ञान प्राप्ति हुई वृक्ष में के नीचे अकेले बैठ करके, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का मेथड यही है, प्रोफेसर से हमने सीखा, बुक्स को पढ़ा, सुना, कुछ विचार किया, यही ज्ञान का तरीका है, कॉग्निटिव सेंस यहीं से आती है। तो जो समाधि होती है ना, आठवां जो स्टेज है उसमें यह होता है कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का डिफरेंस खत्म हो जाता है। ये जो जिसको मैं जानना चाहता हूँ, अगर मुझे पौधे के बारे में जानना है तो समाधि में मैं ही पौधा बन जाता हूँ, आसान भाषा में ये है, जब मैं ही पौधा हूँ तो पौधे के बारे में मुझे सब मालूम है, फिर समाधि से जब मैं बाहर आता हूँ तो पौधे के बारे में मैंने लिख दी। तो आयुर्वेद कैसे लिखा गया था, 81 ऋषि बैठे हुए हैं, सभी समाधि प्राप्त करेंगे। समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। एक हो गया प्रज्ञा के साथ, जिसमें इंटेलेक्ट आएगा, बुद्धि आएगी, मतलब प्रकृति से आप जुड़ गए, इट्स लाइक वाईफाई कनेक्ट हो गया आपका और आपको इंटरनेट स्पीड आ गई उससे। तो भरद्वाज ऋषि बैठे हैं और बाकी समाधि में है, तो समाधि में वो किस पे समाधि ले रहे हैं, समाधि में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वो नाभि पे लेते हैं समाधि, और नाभि पे जैसे ही समाधि लेते हैं तो बॉडी के एनाटॉमी बिना चीर फाड़ किए उन्हें पता चलता है कि अच्छा 72,000 नाड़ियां हैं यहाँ, ये से कनेक्टेड ऐसे कनेक्ट, और वो बोल रहे हैं और ये लिख रहे हैं ऋषि भरद्वाज। कैसे पॉसिबल इसीलिए मैं बहुत आसान, मतलब जो समझा रहा था वो ये समझा रहा था कि जो नॉलेज होता है और जो नॉलेज को जानने वाले, ये दो अलग व्यक्ति हो, मतलब अलग कॉन्सेप्ट है ना। मतलब मुझे अगर फिजिक्स के बारे में जानना है तो मैं मतलब टेलीस्कोप से देख रहा हूँ, अर्थ घूम रहा है और मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कभी अर्थ बन नहीं सकता, ऋषि बन सकते हैं। अब कैसे बन सकते हैं ये फिर अलग विषय है। हाँ, क्योंकि अगर हम इतनी हाँ, मतलब, बातें करेंगे तो शायद वहां बैठा ऑडियंस विश्वास भी ना करे, बियॉन्ड हो जाए उन्हें, मतलब क्योंकि जीवन में ऐसे विषय वो सुने ही नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि हाउ जानना बहुत जरूरी था, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा लैब है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, ऋषियों ने अपने शरीर को ही बना दिया ये। और ये मैं पूछता भी हूँ कि जो ज्ञान मार्ग भारत का ब्रह्म को जान सकता है, ईश्वर को जानने की यात्रा कर सकता है, तो भौतिक को कैसे नहीं जान सकता है, क्योंकि भौतिक तो आसान है उससे जानना जो दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं। तो ज्ञान मार्ग उसके लिए बना था, तो कॉम्प्लिकेटेड विषयों के लिए, आत्मा है कि नहीं, आत्म साक्षात्कार के लिए बना है। तो मेरा प्रश्न यही था कि एक एटम को क्यों नहीं जान सकता है वो, क्योंकि जो भगवान को जान सकता है तो एटम को क्यों नहीं जान सकता वो। तो उसी विधा को ऋषि जो हैं, तो ऋषि समाधि जो प्राप्त कर रहे हैं ना, उसमें वो एंड है कि शरीर त्याग दिया उन्होंने, बट समाधि में ये भेद खत्म हो जाता है विश्व का और आपका, ये जो भेद है ना। अगर ठीक है लोग विश्वास ना करें, फिर भी मैं बात रख देता हूँ, जब भी व्यक्ति का जन्म होता है तो हम लिमिटेड हो जाते हैं, जब वो आत्मा रूप में होता है तो वो कनेक्टेड होता है।
ये आप अपने रिसर्च के थ्रू बता रहे हैं या कहीं से कुछ रेफरेंस है जहां से लोग इसको? ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग भी है और सारे संप्रदायों को, जैसे अरविंदो सोसाइटी हो, योगदा सोसाइटी हो, जितनी भी हैं, या दर्शन शास्त्रों, ये सारा एनालिसिस करके मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि आत्मा की शक्ति ज़्यादा है, ठीक है, जिसको इंट्यूटिव, जो इंग्लिश में लिख देता है ना कि ये मेरा इंट्यूशन ने कहा, मेरे माइंड ने नहीं कहा, मेरे इंटेलेक्ट ने नहीं कहा, तो इंट्यूशन वो आता कहाँ से है? वो आपका सेल्फ, आत्मा को वेस्ट में सेल्फ कहते हैं, सेल्फ वर्ड से उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। आत्मा लिखने से फिर वो रिलीजन का बैरियर आ जाएगा कि अरे ये तो सुपरस्टिशन की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। इवन मैं आपको बताऊं कि पुनर्जन्म पे रिसर्च होता है तो वो उसको लिखते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हुआ, एक मतलब एक लड़की के 78 पूर्व जन्म के पूरे स्टडी की गई, तो उन्होंने लिखा कि री इंकारनेशन लिखेंगे तो ये तो थोड़ा रिलीजियस और ये डॉगमेटिक हो जाएगा, साइंटिफिक नहीं लगेगा, तो उन्होंने टाइटल चेंज किया। एक्सपेरिमेंट उसी के ऊपर है, पुनर्जन्म के ऊपर ही है, लेकिन उन्होंने लिखा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो कुछ तो है जो कंटिन्यू है सारे जन्मों से, शरीर तो आपका कंटिन्यू हो नहीं सकता, है ना, तो कुछ तो है जो पहले भी था अभी भी है, तो उसी को हम इंडेस्ट्रक्टेबल जो हम कहते हैं, जो नश्वर नहीं है, उसको ही हम आत्मा शब्द से प्रयोग करते हैं, है ना। तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आप उस बात को ही समझिए, वो कई जन्मों की यात्रा करके आया है, तो वो तो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो उसको ज़्यादा ज्ञान है, उसको यूज़ करना, ऋषि उसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, उस फैकल्टी को यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास चार फैकल्टी है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार फैकल्टी से मतलब अगर मैं बोलूँ कैसे यूज़ करते हैं, मैं बता रहा हूँ। जैसे हम एक मार्केट में खड़े हैं, मैंने किसी को देखा कि वो चोर है, चोरी करता हुआ दिख रहा है, तो ये पहले जज हमने कैसे किया है? हमारी मेमोरी में है, हमारे मूवीज़ में हमने देखा, कहीं देखा है कि चोर ऐसी एक्टिविटी करता है, तो हमने उससे पहले किया कंपैरिजन किया, फिर हमने देखा कि वो मेरे तरफ आ रहा है कि भाग रहा है, ये अहंकार है। अहंकार इज़ दी आईनेस, बेसिकली अहंकार के बढ़ने को घमंड कहते हैं, अहंकार इज़ नॉट टेक्निकली उसको नहीं बोलते। अच्छा, संस्कृत और हिंदी में ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अहंकार इज इक्वल टू घमंड नहीं होता, अहंकार के बढ़ने को हम कह रहे हैं ना घमंड, तो हाँ। जिनको अहंकार और घमंड एक जैसा लगता था, आज आपको ये भी बातें जानने को मिल रही हैं। अहंकार इज द आईनेस, अगर अहंकार नहीं होगा ना तो आप, जो बहुत लोगों को डिसऑर्डर होता है, डिफरेंस नहीं समझ में आता, आईनेस आप हैं और बाकी से अलग हैं, यही अहंकार है, ठीक है। और फिर आपने मन का प्रयोग किया कि भागूं, उसको पकड़ूं, ध्यान ना दूं, ये जो ऑप्शंस आ रहा है दिमाग में, संकल्प और विकल्प, ये मन का काम है। और इंटेलेक्ट, डिसाइड करना अंत में कि इसको मुझे पकड़ना चाहिए, ये बुद्धि का काम है। तो मन, बुद्धि, चित्त हो गया मेमोरी और संस्कार मतलब पुराना, और अहंकार कि आप ओनरशिप लिए हुए हैं किसी इवेंट का, दैट इज़ द अहंकार, आप ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है, ये ओनरशिप इज़ द अहंकार। तो ये चार फैकल्टी से नॉलेज मिलता है, लेकिन ऋषि इन चारों का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ऋषि कर क्या रहे हैं? हाँ, तो इस पे आते हैं कठोपनिषद पे। अगर मैं उदाहरण दूँ, बहुत लोग उपनिषद की बात करते हैं, तो सबसे मतलब सुंदर विजुअलाइजेशन उपनिषद में एक आता है कि दो चिड़ियाँ बैठे हुए हैं एक डाल पे, एक खा रहा है फल को और दूसरा दूसरे चिड़िया को बस देख रहा है, उसको आनंद लेते हुए बस देख रहा है। तो यही हमारी रियलिटी है, ये जब हम एक्शन लेते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, तो ये है वो जो चिड़िया जो फल खा रहा है, और जो आत्मा है ये देख रहा है इन सबको आनंद लेते हुए, ठीक है। तो कठोपनिषद में आया कि रथ है, जो भगवान श्री कृष्ण जो समझा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि मन जो है वो शत्रु भी हो जाएगा, वो मित्र भी हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो घोड़ों को उन्होंने कहा इंद्रिय, सेंस ऑर्गन, जो विश्व से, बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करता है, मार्केट में उसने कुछ प्रोडक्ट को देखा, फिर डिसाइड किया ये मुझे खरीदना चाहिए, ये इंद्रिय सेंस ऑर्गन्स एक्सटर्नल आउटपुट लेते हैं, ठीक है। इसलिए ऋषि मुनि जंगल जाते हैं कि डिस्टर्बेंस ना हो एक्सटर्नल आउटपुट का, ये कॉन्सेप्ट है दूर जाने का, क्योंकि इच्छाएं जागृत हो सकती हैं बाहर कुछ ना कुछ देख करके, ठीक है। गुफा में हमने बहुत सारे मूवीज में देखा, गुफा के अंदर या पहाड़ पे, चोटी पे जाके या जंगल में, तब वो तपस्या करते थे, तो तपस्या उसमें सबसे पहला काम है कि इंद्रिया को उन्होंने कोई विषय ही नहीं दिया, ऐसी जगह चले गए कि कुछ डिस्टर्बेंस ना मिले, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सारथी है वो बुद्धि है, ठीक है, और जो रथ पे बैठा है वो आत्मा है। तो अब इसमें प्रश्न किया गया कि रथ चला कौन रहा है, तो किसी ने कहा घोड़े चला रहे हैं, किसी ने कहा सारथी चला रहा है, लेकिन एक्चुअल आंसर तो है जो बैठा है वो, उसकी वजह से ये रथ चल रहा है, क्योंकि उसने कहा कि मुझे यहाँ जाना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं सारथी को एक मैप दे दूँ कि इस तरफ जाना है, तो क्या रथ चला जाएगा वहाँ पे? नहीं चला जाएगा, उसमें घोड़ों की ट्रेनिंग बहुत रिक्वायर्ड है, घोड़ा ट्रेंड है कि नहीं,
और सबसे इंपॉर्टेंट लगाम, उसी लगाम को मन कहते हैं। तो सेंस ऑर्गन हो गए घोड़े, बीच में हो गया लगाम जिसको मन कहते हैं, जो सारथी हो गया बुद्धि, जो पीछे बैठा हो गया वो आत्मा। तो ये पूरा हमारा एग्जिस्टेंस, हमारी रियलिटी ऐसे ही है, ये लेयर्स में जो हमने बताया। तो आत्मा बड़ा निष्क्रिय दिखता है, वो एक्शन में तो दिख ही नहीं रहा है। तो डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर मन का प्रयोग करते हैं और सेंस ऑर्गन का प्रयोग करते हैं, और डिसीजन हम होता है आज मेरा मूड नहीं कर रहा ये काम करने का, करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो बुद्धि का काम था, उसको मालूम है, बच्चे को मालूम है कि पढ़ने से हम टॉप खोज जाएंगे, लेकिन मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, है ना। तो क्योंकि सेंस ऑर्गन जो है कुछ और करना चाहता है, खेलना चाहता है, दौड़ना चाहता है। तो हम जो है ना इसी फैकल्टी में व्यस्त रहते हैं, मतलब सेंस ऑर्गन, मन और बुद्धि, इसी तीन में हमारी दुनिया चलती है। चाहे पोएट हो, सिंगर हो, सब बुद्धि के स्तर तक रुके होते हैं। ऋषि जो हैं ये चौथे जो हैं आत्मा के स्तर पर आ गए, जिसको कई संप्रदाय मानेंगे ही नहीं, लेकिन क्योंकि वो कई जन्मों की यात्रा करके आया है तो वो ज़्यादा नॉलेजबल है। तो वहाँ से जो नॉलेज आप ड्राइव करेंगे वो ज़्यादा मैच्योर्ड और ज़्यादा एडवांस होगा ऑब्वियसली। ये थोड़ा सा लोगों के लिए बिलीव करना, क्योंकि जैसे जब ये बात आती है ना, तो मैंने जैसे कहा कि लोग बोलते हैं कि कुछ तो रेफरेंस होना चाहिए इसके पीछे, लॉजिक तो अगर हम, तो मैंने साइंस का क्यों बताया, क्योंकि इसको आप वैलिडेट नहीं कर सकते, आपको उस यात्रा में जाना पड़ेगा, आप सेल्फ वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, साइंस क्या करता है, रिसर्च पेपर से वैलिडेट करता है कि देखो इस साइंटिस्ट ने पब्लिश किया, इसको 40 साइंटिस्टों ने बोल दिया हाँ ये बात सही है और आपने भी मान लिया, यही होता है। हमारे भारतीय विज्ञान की यात्रा में आप जाएंगे, इसको आप सेल्फ वैलिडेट ही कर सकते हैं। अगर आपको मानना है कि नहीं मानना है, आप वो स्टेप्स फॉलो करिए। ठीक है, कई लोग बोलेंगे प्राणायाम से क्या लाभ है, सांस ये एक नाक से बंद किए दूसरे, इससे मतलब मेरा हेल्थ कैसे सुधार हो जाएगा। हेल्थ के लिए एक्सटर्नल कुछ मेडिकेशन होना चाहिए ना, ये भी तो 20 साल पहले बोलिएगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, प्राणायाम से हेल्थ कैसे आ जाएगी। मतलब बॉडी में सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, ये लोगों को नहीं पता थी कि व्यक्ति खुद भी ठीक हो सकता है। तो आपने किया, रिजल्ट मिला, तब आपने योग को माना, आयुर्वेद का यूज हुआ, किसी को आपने ठीक होते देखा तब आपने माना। तो जो भी मैं बात कर रहा हूं ये भी आप किसी को करते देखेंगे तो फिर मानेंगे, लेकिन उसने कैसे किया उस पर आप नहीं मानेंगे, वो तभी वैलिडेट होगा जब उस यात्रा में आप जा चुके होंगे किसी एक स्तर तक। तो यानी कि अगर जैसे कोई देख रहा है, क्या ये पॉसिबल है अभी के लोगों के लिए भी कि वो आत्मा तक की यात्रा कर पाए, जैसे ऋषि मुनि तो कर लेते थे, लेकिन क्या कोई एक नॉर्मल, जैसे आप बैठे हुए, आपने इतना रिसर्च किया, आप या कोई और भी, वो चाहे कि आत्मा की यात्रा, आप वहां तक की यात्रा पे पहुंचे, तो क्या ये अभी के टाइम पे पॉसिबल है? इसमें एक पैराडॉक्स तो नहीं बोलूंगा मैं, साधना कहा जाता है। साधना मतलब क्या होता है, निरंतर कई वर्षों तक कंसिस्टेंट एक प्रैक्टिस करनी होती है। साधना मतलब होता है निरंतरता। अब उसमें 10 साल लगे, 20 साल लगे, तो क्या आप में पेशेंस है 20 साल वो करने की? नहीं है। आप 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, फिर आप बोलेंगे रिजल्ट नहीं है, तो ये विषय ही फिर समाप्त हो जाएगा। वो ऐसे भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने एक ऐसा सामने वाले को डायलेमा में डाल दिया है कि वो कह रहा है 25 साल मुझे लगेंगे अब इस बात को मानने में, तो फिर उस मार्ग पे ही वो नहीं जाएगा। वो कहेगा मैं तो बुक पढ़ लेंगे, जल्दी हो जाएगा ना, मैं पढ़ लिया तो मैं समझ गया। लेकिन बात वही कि आप पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं एक डाउट तो रह जाएगा कि इसे मानूं या ना मानूं। तो स्वयं से करके सत्यापित करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कुछ ऐसा होता है, ये भी मैं बता दूँ ये दिख होता कैसा है। आपको बचपन की कोई बात आप भूल चुके हैं, मान लीजिए 20 साल पुरानी बात है, आप भूल चुके हैं। कोई पुराना दोस्त आपको मिला, आपको वो बात आपको उसने याद दिलाया, और आपको अचानक से लगा कि हाँ ठीक तो तुम बोल रहे हो, ये तो मैं भूल ही गया था। तो इस यात्रा में जब आप कुछ प्राप्त करेंगे, किसी भी 1% 0.5% जितनी भी बात करें ज्ञान के स्तर का, तो आपको ये लगेगा कि ये तो पता ही था मुझे पहले से, ये बस मैं भूल गया था। इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म जो शब्द आता है, ज्ञान ही ब्रह्म है, मतलब जो नॉलेज है वो बहुत इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्म का। तो वो व्याप्त ही है, नॉलेज जो हर जगह व्याप्त है, उसको लेने का तरीका इधर मशीन्स हो सकता है या आपकी साधना हो सकती है। तो यानी कि जो हमारे ऋषि थे वो आत्मा तक की यात्रा पर पहुंचते थे, उसके बाद उनको वो ज्ञान आता था। बिल्कुल। तो एक मैं समाधि वाले सवाल पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मैंने कहा ना वो आजकल वायरल कंटेंट है। समाधि के बारे में आपने कहा दो तरीके की समाधि होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर बताइए। देखिए समाधि की अगर मैं बोलूँ कि एक स्टेजेस आएंगे, हाँ ये भी है कि आप कुछ कर रहे हैं एक्शन, आपको पता कैसे चलेगा कि मैं ग्रो कर रहा हूँ सही दिशा में, ये भी तो हिंट होना चाहिए ना, है कि नहीं। तो समाधि में
शुरुआत होता है समाधि के पहले, जो हम बोलते हैं ध्यान आप किस चीज़ पे कर रहे हैं। तो पहले एक आसान रूप में मैं कहूँ तो जो जाप करते हैं, नाम जाप, 1,00,000 बार जाप किए, 2,00,000 बार जाप किए, तो आपने क्या किया, एक सब्जेक्ट दिया, बाकी उसको कोई सब्जेक्ट नहीं दिया। मतलब बंदर को आपको एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, वो इतना चंचल है कि सीधे सीधे वो शांत होगा नहीं। तो पहले स्तर में आप एक ही विषय को लेके उसको रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं, फिर बोलते हैं कि आप नहीं जाप करेंगे, आप बैठेंगे गंगोत्री के पास। क्यों बैठेंगे? क्योंकि वो साउंड बंद नहीं होगा, वो जो गंगा का जो प्रवाह है, 20 वर्षों तक भी बैठेंगे तो वो ध्वनि आती रहेगी। तो समाधि में ऐसा सब्जेक्ट लिया जाता है उसके पहले जो ब्रेक ना हो, ऐसा ही सब्जेक्ट लिया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि इनिशियल स्टेजेस में धीरे धीरे आपको ना नॉलेज आने लगेगा, मतलब आप अपने आप को लगेगा कि आपकी बुद्धि बढ़ रही है, आपको समझ में आने लगेगा दुनिया में इतनी हिंसा क्यों हो रही है, दुनिया में ऐसा क्यों चल रहा है। मतलब बहुत सी चीज़ जो ऑब्वियस हैं आपको खुद ब खुद अंदर से वो बाहर मतलब प्रतीत होगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब इस यात्रा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आगे जा करके होता क्या है कि मुक्ति और मोक्ष जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, तो वो क्यों करते हैं कि हम ब्रेक करना चाहते हैं जन्म और मरण का जो सीक्वेंस है कि आप दोबारा जन्म ना लें, दोबारा जो बौद्ध धर्म में होता है कि दुख है पूरा जीवन जो दुख है। तो ब्रेक कब होगा? जब आपने सारे कर्मों का क्षय कर दिया है। जब तक कर्म होगा तब तक उसको भोगने के लिए दोबारा जन्म होगा। तो कर्म कहाँ से होता है? संस्कार हम कहते हैं कि पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हैं, कर्माशय है, कर्म है। तो असंप्रज्ञात में उसी को नष्ट करने की प्रक्रिया होती है ताकि आप मुक्त हो जाएं। तो पहली वाली थी ज्ञान की प्रक्रिया। तो जब आयुर्वेद लिखा गया होगा, योग पे लिखा गया होगा, तो वो शुरुआती ही स्टेज है समाधि का, वो बहुत एडवांस स्टेज नहीं है। लेकिन अब हम मुक्ति को प्राप्त कर ले, भगवान को जानना है, तो वो और एडवांस लेवल की है, तो वो असंप्रज्ञात समाधि है। लेकिन इस करने की यात्रा में अगर आपका जो जन्म है उस युग में हुआ है कि वो शरीर कैपेबल ही नहीं है वो झेलने की, तो मृत्यु पहले हो जाएगी। हमारे डीएनए में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप भूखे इतने समय तक रह सकते हैं, बिना डाइजेशन के इतना तपस्या कर सकते हैं। तो तपस्या करने की कैपेसिटी कब होगी? जब आपके उस प्रकार के माता पिता थे, आप उस लीनियज से आते हैं, है ना। तो मृत्यु पहले हो जाएगी, तो मतलब एक्चुअल वाली समाधि मिली नहीं। लेकिन दोबारा जन्म होगा तो जहां यात्रा आपने खत्म की थी वहां से स्टार्ट होगा। तो जो बच्चे से, कुछ लोग 4 साल 12 साल 13 साल से अपना लक्षण दिखाते हैं कि ये बड़ा ज्ञानी लग रहा है, इसका मतलब वो साधना करके आया है, तो फिर वहां से फिर वो कंटिन्यू करता आगे आगे का यात्रा। तो मृत्यु हो गया, वो शरीर त्यागना, वो एक आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि क्योंकि शरीर त्याग ही देते हैं, आइदर वो लायक नहीं है वो शरीर उस आत्मा को आप संभालने के, वो इतना विशाल हो चुका है। मतलब जैसे विवेकानंद जी की अगर आत्मा है तो वो शरीर संभाल नहीं पा रही है, तो छोड़ना पड़ेगा वो शरीर, तो वो छोड़ देते हैं शरीर। यानी कि बचपन, आपकी बातें इतनी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपने बोला कि किसी की यात्रा जो है वहाँ ख़त्म हुई, फिर वो छोटे से ही अगले जन्म में उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो शायद हमारे दादी नानियाँ या हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे पिछले जन्म में ये होगा, इसीलिए इसको ये जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल जो है वो ज्योतिष से भी रिलेटेड है। हमारे यहाँ जो है देखा जाए तो पिछले, जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो है ज्योतिष विद्या में विशेषज्ञ हैं, थे मतलब, लेकिन हम जानते हैं कि ज्योतिष की जो सटीक भविष्यवाणी के लिए ग्रहों की चाल को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि उन ग्रहों की मूवमेंट को कैसे ट्रैक करते थे वो, और क्या उनके पास टेलीस्कोप था या वे उन ग्रहों तक की यात्रा कर सकते थे, यानी कैसे वो पता लगाते थे इस चीज़ को। अभी तो बहुत ही टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो गई, लेकिन उस टाइम पे वो कैसे करते थे ये आपसे जानना है। टेलीस्कोप के कुछ अवशेष मिलते हैं लेकिन वो एडवांस नहीं है, मतलब भारत में भी मिलते हैं लेकिन वो मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस है नहीं। तो मेथड मैंने किस लिए बताया कि उन्होंने नाभि पे समाधि जब प्राप्त की तो आयुर्वेद का ग्रंथ उन्होंने लिखा, तो पतंजलि योग सूत्र ही कहता है कि ध्रुव तारे पर अब समाधि लेना है या चंद्रमा पर अब समाधि लेना है। समाधि लेना मतलब एक पहले उसको चुना जाता है कि इस पे हम समाधि प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सारा पुनर्जन्म जानना चाहता है तो वो व्यक्ति उसी पे समाधि ले ले, वही सब्जेक्ट हो जाए, उसके ही संस्कार अगर सब्जेक्ट हो जाए तो उसका सारा पास्ट और सब कुछ बताने लगेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या लिया हमने कि या तो चंद्रमा लिया हमने या ध्रुव तारा लिया, वही मेरे ध्यान का विषय है। तो क्या होगा कि समाधि में क्या हो रहा है कि मेरा विलय हो जा रहा है उस सब्जेक्ट के साथ, मैं ध्रुव तारा हूं कि ध्रुव तारा मैं हूं, ये डिफरेंस ही समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। और
पतंजलि योग सूत्र ही कहता है कि फिर आपको ग्रहों की गति का ज्ञान होने लगता है, क्योंकि आप ही ध्रुव तारा बन चुके हैं। सुनने में जैसा भी आपको लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये मतलब बोलते हैं ना कि जब लोग इस तरीके की डीप बातें सुनते हैं तो आजकल के टाइम पे जो हमारी यूथ है वो बहुत जल्दी रिलेट नहीं करती, लेकिन जैसा मैंने, इसलिए मेरा ज्यादातर विषय तर्कशास्त्र रहता है कि अगर वो डिबेट ना करें तो तर्कशास्त्र जो है वो लॉजिक का विषय है। तो लॉजिक में मैं उनके सामने ये विषय रखता हूँ कि दो दोस्त बैठे हैं, ठीक है, और दोनों को बोला गया कि पंखे को मत देखिए, ठीक है, ऊपर, और नीचे ही सर को रख के बताइए पंखा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं घूम रहा है। तो एक ने कहा आवाज़ नहीं आ रही है, एक ने कहा हवा नहीं लग रही है। सही लॉजिक लगाया उन्होंने। दूसरे केस में बोला गया पंखे को देखो, दोनों ने देखा, बोले तो घूम रहा था। तो बोले गलती कहाँ हुई, बोले एजम्पशंस में गलती हुई। आपकी जो दुनिया को देखने का जो नज़रिया है उसमें ये था कि हर पंखा आवाज़ करता है और हर पंखा हवा देता है। उस एजम्पशंस की वजह से लॉजिक क्रिएट हुआ, उस लॉजिक से आपका फॉल्स कंक्लूजन ड्रॉ हुआ। तो साइंस भी अगर रिजिड होता ना लॉजिक में तो न्यूटन ही सही होते। बहुत लोग को नहीं पता है न्यूटोनियन फिजिक्स आइंस्टीन के आने के बाद फिजिक्स से वो गलत हो गई, मतलब वो एरर से भर गई। आइंस्टीन की जो ग्रेविटी और न्यूटन की जो ग्रेविटी उसमें बहुत अंतर है, ठीक है। तो ये जनरेशन है यू ओनली लिव वंस, जो हम देखते हैं उसे हम मानते हैं, जो हम देखते हैं उसे हम मानते हैं। तो फिर तो आपको डेटा को भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि डेटा तो आप देख नहीं रहे। सो आई थिंक ये बात ये है कि ओपन माइंड अगर आप हैं, जहाँ तक आप विश्वास कर सकते हैं उस मार्ग पर आके देखिए, मे बी आपको वो कन्विंसिंग लगे, लेकिन ये आप पर ही है। मतलब ये पात्रता की बात है कि मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, मैं जानना चाहता, मैं स्केप्टिकल हूँ कि संस्कृत में कुछ है ही नहीं, वो तो धर्म की रिलीजन की बात करता है, उसमें साइंस कहाँ से हो। जब पहले ही मैं ये विचारधारा अगर ला दिया तो एक बैरियर हो गया, फिर तो मुझे कभी नहीं दिखेगा उसमें विज्ञान। तो एटलीस्ट एक्सेप्ट करें कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। एक हमारे गेस्ट आते हैं, कहते हैं मानने से जानने तक की यात्रा, तो जानना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है आप और आप जैसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं लोगों को ये जानने में, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं इन टॉपिक्स पे, लेकिन उनको पता नहीं, समझ में नहीं आता कि कैसे शुरुआत करें, क्या चीज़ें। तो आगे हम इंटरव्यू में बात करेंगे कि आप भी इन टॉपिक्स पे रिसर्च करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कहाँ से जान सकते हैं। हम ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं, हम वेदों की बात कर रहे हैं। एक नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत बात होती है कि वहाँ पे बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारी किताबें थीं जो जल गईं। आज के टाइम पे क्या होता है कि हर किताब की बहुत सारी कॉपीज होती हैं। नालंदा जल गया, ठीक है, वहाँ बहुत सारे जगह से छात्र आते थे पढ़ने के लिए, ऐसा किताबों में भी लिखा हुआ है। तो क्या वहाँ पे कोई कॉपी नहीं थी किसी, जैसे किताबें जल गए तो उनकी कॉपीज नहीं थी, उसके अलावा बस वो जल गई और वो ख़त्म हो गई, कोई कॉपी होती तो शायद हेल्प मिलती, तो क्या कॉपी थी ही नहीं उनकी जो किताबें थी? बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर जैसे 90 लाख का जो नंबर आता है कि 90 लाख ग्रंथ, 9 मिलियंस मैन्युस्क्रिप्ट थे, तो कोई भी लाइब्रेरी होगी तो एक ही कॉपी एक बुक की नहीं होगी सबसे पहले, मतलब उसी लाइब्रेरी की मैं बात करूँ, बाहर की नहीं। तो जब जली होंगी तो मे बी वो 9000 ही एक्चुअल मैन्युस्क्रिप्ट हो, उसकी ही कॉपीज हो के वो 90 लाख हो, या 90,000 तक ही कोई ग्रंथ हो, ये हम बोल सकते हैं। तो पहले तो मैं बता दूँ, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के पास 1 करोड़ ग्रंथ हैं ऑलरेडी, जिसमें से 10 लाख का इन्होंने डिजिटाइजेशन किया है। 90 लाख में क्या है पता भी नहीं है, पहला। दूसरा, जो भी ऐसे ग्रंथ होंगे जो ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के जो विद्यार्थी होंगे कि ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, तो दूसरे देश ले जाते होंगे। तो तिब्बत अपना एक ऐसा देश है, तो जो इन्फिनिटी फाउंडेशन है, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ, आई थिंक मैं अगर सही यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा हूँ, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलके उन्होंने उन्हें प्रोजेक्ट दिया कि तिब्बत के जो तिब्बतियन स्क्रिप्ट में जो नालंदा के पुस्तक हैं उनको संस्कृत और फिर आज के लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए। तो ये है ऑलरेडी, इसलिए मैं बोल रहा था कि महिमा मंडन से अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, हम इतने महान थे, बख्तियार खिलजी ने जला दिया, जो बचा है उसको बचा लें। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो है बचा उसको भी तो बचा लें, और उसके लिए बहुत बड़े, मतलब आप समझ लीजिए कि पूल ऑफ फंड्स और एक्सपर्ट्स, रिसर्चर, बहुत लोगों की आवश्यकता है जो इन ग्रंथों को वापस, उसमें से ही जैसे वृक्षायुर्वेद पे जो मैंने काम किया कि प्लांट बॉटनी एंड एग्रीकल्चर, ये यूके की बॉडलियन लाइब्रेरी में मिली, भारत में ये ग्रंथ थी ही नहीं, मतलब आयुर्वेद का प्रयोग पौधे के लिए। तो ये जो नैरेटिव था कि देखो तुम लोग जब डिस्कवरी हो जाती है तब बोलते हो वेद में लिखा हुआ है, पहले क्यों नहीं करते, तो ये विषय मैंने पकड़ा था कि पहले अब करना है कि आयुर्वेद को इस्तेमाल करेंगे पौधे को ठीक करने के लिए, और न्यूट्रिएंट्स बढ़ाएंगे पौधे को ही और फलों को ही इतना मजबूत करेंगे कि बीमारियों को वो ठीक करें, मतलब, ठीक है। तो ये दुनिया में नहीं हो रहा है, मतलब एग्रीकल्चर में आयुर्वेद है नहीं, ये पहले करना चाहिए।
सो इसको आप जब इस्टेब्लिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फूड सिक्योरिटी और फार्मर क्राइसिस, प्रोडक्शन नहीं होना, मौसम बदल रहा है, कीड़े आ जाते हैं, ये एक एक्चुअल साइंस है जो लाभ देगा, फिलोसफिकल नहीं है। तो वृक्षायुर्वेद पे एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन जैसी संस्थाएं काम कर रही है जो कहेंगे कि देखो हमने पहले किया। एक चीज जैसे अभी आपने कहा उससे थोड़ा सा रिलेटेड सवाल पूछूंगी कि तिब्बत ने ले लिया और बहुत है, हमें एक बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, बहुत सारे एक रिसर्च की जरूरत पड़ती है, क्या हमारे यहाँ अभी गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है कि बाहर के लोग रिसर्च कर रहे हैं, बाहर के यहाँ हमारी किताबें बाहर जा रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग जैसे आपने कहा बहुत सारी जानकारियाँ जो आप दे रहे हैं वो पहली बार कोई दे रहा होगा क्योंकि इतने सारे लोग आए अभी तक किसी ने नहीं बताई ये बात, तो क्या हमारे यहाँ गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही कि अगर हमारे पास वो किताबें होंगी हम दूसरी कंट्री से करवाने से अच्छा है कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम वो करवाएं तो वो जानकारी सबसे पहले हमारे यहाँ होगी। तो कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड या डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड मैंने क्यों विषय रखा, यहाँ के भी जो साइंटिस्ट होंगे, जब मैं ICR गया था तो उन्होंने कहा कि देखो रवि, रिलीजन इज लग्जरी, ये अग्निहोत्र में तुम मत ढूंढो एग्रीकल्चर का सॉल्यूशन, और वो 35 साल से जर्मनी उस पर काम कर रही है, ठीक है, अग्निहोत्र पे, जो होमा फार्मिंग पे। तो होता क्या है कि जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है वो ये हुई है कि लैटिन और ग्रीक से साइंस आता है, संस्कृत से साइंस आता ही नहीं है। तो जो पॉलिसी मेकर होंगे ना, जो IAS होंगे, वो इस बात को पहले मानते ही नहीं, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट करेंगे, विजन जो देंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वो तो पॉलिसी मेकर्स होंगे। तो पॉलिसी मेकर्स इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं कि संस्कृत में भी साइंस आएगी, पहली बात ये। दूसरा, हमें इसमें एक्सपर्टीज चाहिए, हमें बोला जब बार बार जो मैं बोल रहा हूँ कि ग्लोरीफाई करने वाले लोग नहीं चाहिए, वो हो गया, हम जान गए कि हम महान थे, लेकिन हमें जो कमरे में बैठ करके 10 साल बैठ के काम करने वाले लोग चाहिए जो एक रिजल्ट कंक्लूड करे जिससे हम कुछ प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी कर पाए, ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है। तो ऐसी एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि ऐसे थिंकिंग प्रोसेस वाले लोग हमें मिले। तो पॉलिसी मेकर्स हो गए और दूसरे टीम हमें चाहिए। गवर्नमेंट विचार करती है, इसमें पॉलिसी में दिखता है। IKS इसलिए आई, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसकी कॉन्क्लेव भी हुई पुणे में जिसमें 80 थिंक टैंक्स को पूरे भारत से, भारत के बाहर से बुलाया गया, उसमें मैं शामिल हुआ था। तो उसमें था कि 2 वर्ष 20 वर्ष 200 वर्ष भारतीय शिक्षा नीति कैसे हम करें कि एंटी मैकॉले हम वो नैरेटिव क्रिएट किया जो मैकॉले ने डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो मैकॉले की बुराई करने से बेहतर है कि अब तो हमारे पास है ना, गवर्नमेंट हमारे पास है, लोग अपने हैं, अब तो हम वापस कर सकते हैं, वो अब क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बैरियर है जिसमें ओपन माइंड होने की जरूरत है कि संस्कृत में भी हमें स्कैन करने की जरूरत है। लेकिन दूसरे पक्ष ये भी चाहिए कि ये ना बोले कि सब कुछ तो वेद में ही था। तो ये डिफरेंस क्या है कि संस्कृत के स्कॉलर हैं बट वो विज्ञान के स्कॉलर नहीं है, और जो विज्ञान के स्कॉलर हैं वो संस्कृत के स्कॉलर नहीं है। तो हमें ब्रिज चाहिए जो उस भाषा को डिकोड करे लेकिन सोचने का तरीका वैज्ञानिक हो, और जो वैज्ञानिक है वो सम्मान करे कि संस्कृत में भी कुछ मिलेगा। ये जब दो लोग साथ में आएंगे तो आई थिंक जो है आपको रिजल्ट दिखेगा, और ये काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। जब बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा तब लोगों को पता चलेगा। ये कई वर्षों से आई थिंक 40,000 से ज़्यादा वोकैबुलरी क्रिएट हो चुकी है संस्कृत में। ये भी एक मेरा सजेशन ये था कि आप हिंदी या संस्कृत का प्रचार करना चाहते हैं तो आपकी जो विज्ञान है उसमें शब्द होने चाहिए संस्कृत के, नहीं तो आप फिर ट्रांसलेशन में चले जाएंगे। आपको साइंस की भाषा इंग्लिश है अभी जी। तो रिसर्च भी उसमें होगा, अगर आपके पास शब्द नहीं होंगे तो आप रिसर्च संस्कृत में कैसे करेंगे। तो पहले तो आपको शब्द चाहिए। तो इस पर काम हुआ है, इस पर बहुत अच्छा काम हुआ है। तो बट आई थिंक एनफ नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। NCERT में भी जो बदलाव हुए, बहुत कई वर्ष लग गए आयुर्वेद को बायोलॉजी में इंक्लूड करने में, कई वर्ष लग गए। तो आई थिंक इसको थोड़ा पेसअप करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और एक्सपर्ट्स हैं पूरे दुनिया में हैं, उन सबको बुलाने की भी आवश्यकता है। और अगर कोई हमारी वीडियो देख रहा है उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके पास भी कोई रिसर्च है, तो वो कैसे जुड़ सकता है, आपसे जुड़ सकता है या कैसे जुड़ सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरे देश में, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहीं बैठे होंगे किसी कोने में, और वो भी कुछ ऐसी चीज़ें, जानकारी या संस्कृत की जानकारी या किसी तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो कैसे आपके पास आ सकते हैं, आपके किस तरीके से वो अपने ज्ञान को आगे पहुंचा सकते हैं? जी, कई संस्थाएं हैं, अभी अप टू द मार्क नहीं है भारत में, लेकिन जैसे इन्फिनिटी फाउंडेशन मैंने नाम लिया, जैसे वेब्स मैंने नाम लिया, एक कॉन्फ्रेंस अभी US में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इस बार का विषय है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हमारे शास्त्रों में झगड़े का निवारण के लिए क्या बातें लिखी गई हैं, उस पर रिसर्च पेपर आप पब्लिश कीजिए। तो
लेकिन हाँ, वो क्वालिटी रिसर्च पेपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको गुणवत्ता नहीं है और आप पब्लिश कर दिए। अभी आयुर्वेद की कांग्रेस होने वाली है दिसंबर में देहरादून में, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, उसमें है कि वृक्ष आयुर्वेद, पशु आयुर्वेद पर रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं। तो आई थिंक एफर्ट मारेंगे इंटरनेट पे, धीरे धीरे सब मिलेगा। अभी इंडिका जैसे प्लेटफॉर्म है, संगम टॉक्स है जो इन चीज़ों को प्रमोट करती है, तो एक बार आप किसी व्यक्ति से जुड़ेंगे वो पूरा नेटवर्क आपको मिल जाता है। मतलब ये क्योंकि एक जैसे सोचने वाले व्यक्ति हैं ये सभी। और जैसा आपने कहा कि सबको एक जगह पर आकर जो है मिलकर ये काम अगर करेंगे तो जल्दी इसमें सब किसी को रिजल्ट दिखाई देगा। एक और जो सवाल है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारा प्राचीन ज्ञान है वो हमसे जानबूझकर दूर रखा गया और वो दूरी इतनी लंबी हो गई कि हम सब कुछ जो है भूल चुके हैं? तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जानबूझकर ये किया गया है कि हमसे हमारे नॉलेज को, हमसे हमारी चीज़ों को दूर रखा गया है? कॉलोनाइजेशन वैसे ही होता है। आप में इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स जब आएगी तभी आप गुलाम बनेंगे। ये बहुत बेसिक है। आप किसी के अंडर तभी वो आप पे रूल कर सकता है जब उसे आप बड़ा मानेंगे। तो ब्रिटिश को हमने माना कि वो रेलवे दे रहे हैं, वो साइंस लेके आएंगे। ये जब बात आप माने तभी आपने अलाउ किया उनको गवर्न करने का आपके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनको आपने दिया। ठीक है, ये इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स कब आएगी? जब आप भूल जाएंगे कि आप कौन है। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। तो आपकी मेमोरी जब तक गायब नहीं होगी, आप में प्राइड भी नहीं होगा और आप भूल जाएंगे। तो परंपरा टूटने से क्या होता है, आप भूल जाएंगे कि आपको आपके ऋषियों और गुरुओं ने क्या दिया। ठीक है, तो अथर्ववेद में ये श्लोक आता है, तो उसमें एक अर्थ उसका ये है कि जब वेद और गौ का ज्ञान, गायों का ज्ञान जब लुप्त हो जाता है तो लोग क्षत्रिय राजाओं की बस बात करते रहेंगे। तो आप इसको समझ सकते कि कब, जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात कर रहे हैं तो अथर्ववेद ही कह रहा है। मतलब आप ज्ञान लुप्त कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप उसकी बात अब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो और एक कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो किस तरह काम करती है, आइडेंटिटी क्राइसिस उसका काम है क्रिएट करना। जैसे चाइना में जैसे हुआ, जो रिवोल्यूशन हुआ, तो उसमें है कि पूरा कल्चरल रूट जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप, मतलब उसका होता क्या फ़ायदा। जो कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि रिलीजन इज ओपियम, उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा, संस्कृति, धर्म, परंपराएं आपको बुरे वक्त में भी लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। तो आप क्रांति नहीं करते हैं। तो जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो चाहते थे कि पावर में हम आएं और इसको पावर से निकालें, उनको चाहिए था रोड पे क्रांति, उसके लिए चाहिए था क्रोध। तो जो भी शॉक ऑब्जर्वर है हमारा, भक्ति है हमारा, बुरे वक्त में लोग भगवान के पास जाते हैं। कल्चर में क्या होता है, लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो डिप्रेशन का भी कारण है कि जो एलियनेट हो जाता है वो डिप्रेस होता है जब वो अलग हो जाता है अपने समाज से। ठीक है, तो संस्कृति, कल्चर, धर्म का एक कार्य है, व्यक्ति को बुरे वक्त में भी वो आगे जाता है, लेकिन वो क्रांति फिर करेगा नहीं। तो इनको इस चीज़ से नफरत था कि इनकी आइडेंटिटी मिटाओ तभी ये गुस्सा करेंगे, जो हम बोलेंगे वही ये मानेंगे। तो इसलिए ये पीछे रखा भी गया। ठीक है, तो और इसको इन्होंने रिफॉर्मेशन कहा। बहुत लोग बुरा मान जाते हैं जब मैं कहता हूँ, राजा राम मोहन राय जी का जब नाम आता है, उन्होंने संस्कृत स्टडीज़ बंद करवाई थी भारत में। वो बोला कि नहीं, ये डॉगमेटिक है, ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये हमें समय में पीछे कर रहा है। और उसका कुछ गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि जो मुगल पीरियड है या फिर जो हम कहें कि हमारा डिक्लाइन ऑलरेडी हो चुका था नॉलेज ट्रेडिशंस में, तो हम भी अपनी परंपराओं को बचा नहीं पाए। लेकिन उनको ये बात पता नहीं थी कि संस्कृत में भी साइंस है, तो शायद उस सेंस में भी उन्होंने कह दिया होगा और बंद करा दिया उन्होंने। और फिर जो लॉस हुआ वो बोलना ही नहीं है। तो जब योग योगा बना देन भारत में फेमस हुआ, आयुर्वेद जब आयुर्वेदा बना तब भारत में वो आने लगा। तो यही कॉलोनाइज्ड माइंड यही होता है कि अच्छा हमारे मालिक ने किया तो कुछ अच्छा किया होगा। तो इंग्लिश में कॉन्शियसनेस स्टडी है तो हमें मानना चाहिए, हमारे वेदों में भी ज्ञान था, ये वहाँ से आया तब वेद को लोग यहाँ माने, यहाँ के लोग वेद को नहीं माने। आर्य समाज कई वर्षों से बोल रहा था कि वेद में ज्ञान है, कहाँ लोग मान रहे थे? विदेशी ने किसी ने कहा तो लोग मानने लगे, अच्छा ये शोपेनहाइमर ने कहा है, अच्छा ये तो निकोला टेस्ला भी स्वामी विवेकानंद से मिले और अपना डाउट रखा था। ये बहुत लोग को नहीं पता, स्वामी विवेकानंद के सामने उन्होंने डाउट रखा था कि ये मेरा डाउट है, आपके वेद में कुछ है ऐसा जो ये मेरा डाउट रिजॉल्व कर पाए? तो ये सब जब सुनते हैं लोग तो लोग कहता है अच्छा वेद में ऐसा भी कुछ था, क्योंकि निकोला टेस्ला ने ऐसा कहा है। तो दिस इज कॉल्ड कॉलोनाइज्ड माइंड, कि आप उनकी बातों को ही सीरियस ले रहे हैं। मतलब वो किसी दिन गायब होने का रिसर्च करेंगे फिर यहाँ के लोग मान लेंगे।
आपसे एक अच्छी चीज ये समझने को मिल रही है कि पुरानी प्रॉब्लम पे रोने से अच्छा है कि उसका सॉल्यूशन ढूंढो और उस पे आगे काम करो। और उसका जो बैरियर है वो पहला बैरियर है कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड। धोती पहनने में शर्म आ रही है, दिक्कत लग रही है, तो है माइंड कॉलोनाइज्ड। तो आप अपनी भाषा में, अपने भूषा में, अपने रिसर्च इकोसिस्टम में जब आ जाएंगे ना, तभी आपका ग्रोथ होगा। आप उनके तरह सोचेंगे तो वो ऑलरेडी आपसे आगे हैं 400-500 साल। आपको अपनी तरह से सोचना होगा, जो आपका तरीका है। आपसे बातें करके बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिल रही हैं, समझने को भी मिल रही हैं, और आपका तरीका बहुत ही आसान है बताने का। यानी इतनी डीप चीज़ें हैं, हम बहुत ही कम समय में ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जिस तरीके से समझा रहे हैं, शायद जो कैमरे के पीछे बैठा होगा उसको भी समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो बातें अभी और भी हैं, बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए एक ब्रेक लेंगे। इसका पार्ट टू भी आएगा जिसमें हम और भी डीप बातें करेंगे। अभी तक आपको कुछ अच्छी चीज़ें जो भी जानने को मिली हैं, जो भी सीखने को मिली हैं, वो सारी चीज़ों पर काम करना शुरू कीजिए। इसका पार्ट टू ज़रूर देखेगा, क्योंकि रवि जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और उसमें हम और भी डीप बातें वेदों के बारे में तो करेंगे ही, ऋषि मुनियों के बारे में ज़्यादा करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल के लिए इस पार्ट से हम ब्रेक लेते हैं, अगले पार्ट में हम फिर आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सवाल अभी और भी तैयार हैं आपके लिए। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, और अपने जो भी सवाल है कॉमेंट सेक्शन में डाल दें। नमस्कार। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.